अयोध्या दिगंबर अखाड़े में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रामचंद्र परमहंस जी के मूर्ति का अनावरण किया। आपको बताते चलें, श्री रामचंद्र परमहंस जी अयोध्या में श्री राम मंदिर आंदोलन के महानायक थे। उन्होंने ही सबसे पहले मान के चलिए कि श्री राम मंदिर के लिए जो जबरदस्त आंदोलन किया उन्होंने किया। अयोध्या में दिगंबर अखाड़े में ये वही स्थान है जो श्री रामचंद्र परमहंस जी जब बोलते थे तो दिल्ली से लेकर पूरी सरकारें हिल जाती थी, यूपी की सरकारें हिल जाया करती थी। बड़े ही दृढ़ संकल्प श्री रामचंद्र परमहंस जी की आज मूर्ति का अनावरण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप देख रहे होंगे हूबहू मूर्ति ये उसी तरीके बनी हुई है जिस तरीके श्री रामचंद्र परमहंस जी थे। आपको बताते चले, अयोध्या के तमाम साधु संत महंतों ने आज ये मूर्ति देख के कहा कि ऐसा लगता है जैसे परमहंस जी बोल देंगे, दिगंबर अखाड़ा की शान हुआ करते थे। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ पे आए थे और उसके बाद इनके जो समाधि स्थल है वहाँ पे समाधि पे पहले श्रद्धा अर्पित की, उसके बाद यहाँ पे आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि पे मूर्ति का अनावरण किया और अयोध्या के तमाम विकास जो राम मंदिर बनने के बाद उससे पहले हुए उसकी चर्चा की, जैसा कि आप अभी वीडियो में हमारे अमृत विचार चैनल पे देखेंगे। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा दिगंबर अखाड़े में कल ही महाराज जी आ गए थे संतों के साथ बैठना समय विकास समीक्षा कर, और आज उन महापुरुषों का मूर्ति का अनावरण था जिन्होंने जीते जी एक संघर्ष किया था कि भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे मेरे जीवन काल में। तो जिस प्रकार से योगी जी निरंतर अयोध्या के डेवलप के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, आज इस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सनातन की चिंता और चिंतन किया, ऐसे निरंतर अयोध्या आगे बढ़े, अयोध्या निरंतर विश्व पटल पर स्थापित हो, ऐसा कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है। तो योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद है परमहंस जी का मूर्ति का अनावरण करके और अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो, ऐसा कार्य योगी जी ने किया।